हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राम स्वरूप जानी और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल RS एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के सेशन में मैं आज बात करने वाला हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 27, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन इस वीडियो में लिया है, तो पूरा वीडियो आपको देखना है और क्वेश्चनों का जो कमेंट रहता है कमेंट बॉक्स में आपका जो स्कोर है वो आपको ज़रूर से डालना है। तो वीडियो के साथ साथ आप उसको जो आंसर उसको रफ पेपर पे लिखिए, सॉल्व करिए और आपका जो स्कोर रहता है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। और यदि आज पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वैसे स्टूडेंट्स, आज आपको वीडियो दो से ज़्यादा मिलने वाले हैं, तीन मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम। जितना मेरे को टाइम मिलेगा उतना आपको वीडियो में देने वाला हूँ, तो पूरे दिन बने रहिए चैनल पे। और बाकी जो प्रैक्टिस सेट है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। बहुत से बच्चे हैं जो सॉल्व कर रहे हैं, रेगुलर कमेंट कर रहे हैं अलग अलग वीडियो पे, अपना स्कोर कमेंट कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है बाकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, वो जल्दी से जल्दी दो तीन दिन में सॉल्व कर लो, क्योंकि जितना अपन लेट करेंगे उतना अपना नुकसान होने वाला है। क्योंकि जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना कॉन्फिडेंस हमारा अपर लेवल पे होगा। तो स्टूडेंट्स, बाकी प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 26-27 तक जो भी है उनको सॉल्व कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। पहले की पांच जो क्वेश्चन है वो आपके पैराग्राफ से तो जो मैंने हटा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है वो देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6-7 के लिए चूज अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है गिवन वर्ड के लिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, देखिए हमास, AMASS। हमास मतलब होता है स्टूडेंट्स एकत्र करना, यानी इकट्ठा करना है, ठीक है, एकत्र करना या इकट्ठा करना। और अगर बात करें इसकी एंटोनिम्स की, तो इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स फैलाना, फैला देना, या उनको बोलते हैं बिखेर देना। तो इसके लिए जो आपका वर्ड आता है वो आता है या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना यानी बांट देना, फैला देना, और दूसरा आता है वो निकल के आता है स्टूडेंट्स स्कैटर, यानी फैल जाना, SCATER, स्कैटर यानी विक्षेपित हो जाना, वो सॉरी विक्षेपण हो जाना, फैल जाना, बिखर जाना। तो ये आपका जो एमास है यानी एकत्र करना, उसका एंटोनिम्स हो गया आपका स्कैटर करना, SCATER, स्कैटर यानी विक्षेपण कर देना, फैला देना, बिखेर देना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, देखिए एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल यानी बात करें यहाँ पर तो वो होता है स्टूडेंट से मैत्रीपूर्ण भाव। एमिकेबल यानी मैत्रीपूर्ण भाव, मित्रतापूर्ण भाव जिसको हम कह सकते हैं। और अगर इसकी बात करें एंटोनिम्स की, तो इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट से शत्रुतापूर्ण जो व्यवहार होता है वो, और वो होता है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी हॉस्टाइल, HOSTILE, हॉस्टाइल। ये भी डबल एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था स्टूडेंट से, एमिकेबल का एंटोनिम्स था हॉस्टाइल, यानी जो मित्रतापूर्ण भाव था उसको शत्रुतापूर्ण भाव में चेंज करना था, यानी एमिकेबल का एंटोनिम्स हो गया हॉस्टाइल, HOSTILE, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एमिकेबल का आपका एंटोनिम्स हो गया हॉस्टाइल। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। उसके लिए इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, पहले डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया वो क्या है, चूज द एप्रिसिएट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है जो गिवन वर्ड है उनके लिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्टूडेंट देखिए कॉर्निवाल, वो है CARNIVAL। कॉर्निवाल का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो जो रोमन कैथोलिक जो लोग होते हैं उनका एक उत्सव होता है जिसमें वो इंजॉय करते हैं काफ़ी ज़्यादा सामूहिक रूप से, कॉर्निवाल। तो अब इसके लिए आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है, तो सिनोनिम्स यहाँ पे जो निकल के आएगा स्टूडेंट्स वो होगा हमारा रिवेल, REVEL, रिवेल यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है कोलाहल के साथ एक समूह में आनंद लेना, इंजॉय करना। तो ये आपका जो कॉर्निवल है इसका आपका रिवेल जो है सिनोनिम्स हो गया, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट देखिए डिफिशियंट, DEFICIENT, डिफिशियंट, और इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। डिफिशियंट यानी होता है स्टूडेंट से अपूर्ण यानी अधूरा, अपन ये कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिनोनिम्स के लिए। डिफिशियंट यानी होता है अपूर्ण, अधूरा कह सकते हैं हम उसको। और अगर इसके लिए बात करें राइट आंसर की, तो सिनोनिम्स की, तो वो हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, लैकिंग, LACKING, लेकिंग यानी जो आपका ये बता रहा डिफिशियंट यानी हो गया आपका अपूर्ण, और लेकिंग यानी हो गया सिनोनिम्स के लिए वो भी जिसमें त्रुटि एक कमी है, जो पूर्ण नहीं है उसमें कोई ना कोई कमी रहेगी। तो LACKING, लेकिंग यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। करेक्ट स्पेल्ट वर्ड आपको चूज करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट से
जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं मैं राइट आंसर ही बताऊंगा, बाकी आप सभी ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं वो सभी ऑप्शन आपका मिसस्पेल्ट है, उनमें मिस्टेक है, कोई ना कोई स्पेलिंग को लेकर मीनिंग को लेकर यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन सी में बात करते हैं, फ्राइटेंड, FRIGSTENED, फ्राइटेंड यानी कह सकते हैं अपन डरा हुआ, जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं डरा हुआ होना, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है इसमें जो आपका वर्ड है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है, टू कट ए सॉरी फिगर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सॉरी फिगर, टू कट ए सॉरी फिगर मीन्स, यहाँ पर आपको टू कट ए सॉरी फिगर का मीन्स पता करना है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करने जाते हैं ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, जैसे सरप्राइज दे रखा है, फैटर्न दे रखा है, इश्यू ऑफ क्यूरल क्यूरल दे रखा है यानी झगड़े का कारण दे रखा है, तो यहाँ पे किसी का भी मीनिंग जो है वो आपका टू कट ए सॉरी फिगर का मैच नहीं होता है। तो यहाँ पर इसी वजह से हम ऑप्शन डी है जो नन ऑफ दीज है उसको राइट आंसर के रूप में क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को आपको राइट आंसर के रूप में क्लिक करना है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, फिर से देख लीजिएगा, और अगर आपने पहले एग्जाम दिए एक दो तो शायद आपको ये क्वेश्चन याद भी होगा, पहले की जो एयरफोर्स के एग्जाम थे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो गिव वन वर्ड ऑफ फॉर फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशन, जो आपके स्टेटमेंट दिया गया उसके लिए वन वर्ड बताना है। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, वन हु डाइज फॉर वंस कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए मर जाता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करता हूँ मैं, तो होता है स्टूडेंट्स मोर्टर, MARTYR, मोर्टर यानी होता है स्टूडेंट्स शहीद हो जाना। तो वन हु डाइज फॉर वंस कंट्री यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए मर जाता है, मर मिट जाता है, उसके लिए शहीद हो जाता है। तो इसका जो वन वर्ड होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी मोर्टर, MARTYOR, सॉरी YR, मोटर, MARTYR, मोटर यानी क्या हो जाना, शहीद हो जाना, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज डू नॉट क्राई, और आपको वॉइस चेंज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट बात करते हैं प्लीज डू नॉट क्राई में जो प्लीज आपको वर्ड दिया गया है, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं और उसको चेंज कर दिया जाता है यू आर रिक्वेस्टेड में, तो आपका ऑप्शन सी नजर आ रहा होगा आपको, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। और उसके बाद में जो नॉट क्राई है, यहाँ पर नॉट और क्राई के बीच में टू लगा देंगे, स्टेटमेंट आपका बन के निकल के आएगा वो होगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू क्राई, यू आर रिक्वेस्टेड, ये चेंज हो गया आपका प्लीज़ को, और उसके बाद में नॉट जो क्राई था उसके बीच में टू लगा दिया नॉट टू क्राई, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू क्राई यानी ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर के रूप में स्टूडेंट निकल के आ रहा है। ऑप्शन सी आपको प्लीज़ डू नॉट क्राई का वही चेंज करके लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू क्राई। उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना आपको अपना स्कोर जो भी है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है लाल कलर से लिखा हुआ, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबाइए और उसके पास बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है। कुछ बच्चे डरते हैं कि हमारे पैसे लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें देखिए, रेखा सेड टू हर मदर, रेखा सेड टू हर मदर, डू यू नो अबाउट इट, और नरेशन आपको चेंज यहाँ पे करना है। तो रेखा सेड टू हर मदर, डू यू नो अबाउट इट, कि आप इसके बारे में जानते हो। तो अगर बात करें स्टूडेंट्स इसके आपके नरेशन चेंज की, तो चेंज करेंगे जब आप इसको, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट से जो रेखा सेड टू हर मदर है इसको चेंज कर देंगे रेखा आस्क्ड में, ठीक है। तो रेखा आस्क्ड हर मदर, रेखा सेड टू को चेंज कर दिया रेखा आस्क्ड हर मदर, यहाँ पे ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है रेखा आस्क्ड हर मदर, और यहाँ पे लगा दिया बाद में इफ, और उसके बाद में देखिए सी न्यू अबाउट इट, सी जो नो था उसको न्यू में चेंज कर दिया सी न्यू अबाउट इट, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर के रूप में निकल के आएगा। ऑप्शन सेकंड है बट उसमें यहाँ पे नोज एस लगा दिया गया नो के साथ में, जबकि यहाँ पे आपको सी के साथ में न्यू लिखना है, अबाउट इट लगाना है। तो आपका रेखा आस्क्ड जो सेड टू था उसको आस्क्ड में चेंज कर दिया, आस्क्ड हो गया रेखा आस्क्ड हर मदर इफ सी न्यू अबाउट इट, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को आपको राइट आंसर के रूप में क्लिक कर देना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट में देखिए, स्पॉट द एरर विच में बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको स्पॉट करना है, एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर आया है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इफ ए आ गया, मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में इट विल रेन, ये सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट है आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये थर्ड पार्ट हो गया। उसके बाद में फोर्थ पार्ट में आ गया नो एरर। तो आपका फर्स्ट पार्ट इफ हो गया, सेकंड पार्ट इट विल रेन हो गया, थर्ड पार्ट आई विल नॉट गो टू स्कूल, और फोर्थ पार्ट हो गया नो एरर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क होने वाला है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो एरर आती है उसको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डालना है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए रखा है कि मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे लास्ट क्वेश्चन तक जाते हैं। कुछ बच्चे बीच में ही वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं और स्कोर कर देते हैं, सर हमारी 15 में से 15 है, 14 है बेटा, 2 का किसको दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो। अगर कमेंट पूरे में से पूरे का कर दोगे, वो वीडियो आपने सॉल्व किया ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस है ही नहीं, तो यहाँ कमेंट करके खुश क्यों हो जाते हो आप, ठीक है। तो जो एक्चुअल आपका स्कोर रहता है स्टूडेंट्स वही कमेंट बॉक्स में डाले, चाहे आपका स्कोर 3 रहा हो, चाहे 5 रहा हो, चाहे 15 रहा हो, तो आपका जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर से डालें। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो आज ही आपको मिलने वाला है, जल्दी मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।